प्रेज द लॉर्ड गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज आपको लेके चलता हूँ साउथ हॉल। लुधियाना से साउथ हॉल का सफ़र बहुत अमेजिंग था, बहुत लंबा कह सकते हैं पर अच्छा था। तो और ठीक है, सारा कुछ बहुत अच्छे से खुदा ने करती है, काफ़ी पेशेंस। और ये जो प्रोसेस था मेरा पूरा, इसमें खुदा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, वो है सब्र करना। तो कभी कभी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हम सब्र रख सकते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों पे डिपेंड करते हैं, मगर खुदा ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा होता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जो खुदा ने सोचा है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होता है, अगर हम सही नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ उसके साथ चलते हैं। ठीक है ना, तो खुदा के साथ ईमानदारी से चले। और ये रास्ता साउथ हॉल का, मिलते हैं आगे। तो जैसे हम जानते हैं, हम सबको पता है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है, सब कुछ किया है उसने हमारे लिए। तो इसी पे एक छोटा सा शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो शेर इस तरह से है, कोड़ों की मार से कांटों के ताज से, कोड़ों की मार से कांटों के ताज से, वो घायल हुआ हमारे पापों की तलवार से, और मरकर भी तीसरे दिन जिंदा होकर, और मरकर भी तीसरे दिन जिंदा होकर, छुड़ाया उसने हमें शैतान की चाल से। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो ये हम पहुंच गए हैं साउथ हॉल। पूरी पंजाबी वाइब है यहाँ पे, पंजाब के पाकिस्तान के लोग बहुत हैं। तो ये हम उतर रहे हैं अभी बस से। मौसम अच्छा है, ठंड नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम है। और बहुत यहाँ पे अच्छी शॉप्स हैं, पाकिस्तानी सूट और इंडियन सूट, खाने पीने का तो चलो है ही है। ये देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ आ गए हैं। तो सब जगह हमें वही वाइब आ रही थी। ये भी कोई पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली थी, यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलते हैं। देखिए सारी सूट्स की शॉप है। और हम एक्चुअली अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आप गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे। बस से उतरने से पहले मैंने एक चीज़ देखी थी, वो बस में से मुझे दिखी थी, तो हम सबसे पहले वहीं जा रहे हैं, समोसे खाने। तो समोसे खा के अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मतलब अच्छी है यहाँ पे ना। 10 पाउंड के सूट हैं, यानी कि अगर देखा जाए 1000 रुपये का सूट है, तो इतना मुझे लगता नहीं है कि इस क्वालिटी का इंडिया में मिलता होगा 1000 में। वहाँ पे भी कम से कम 3-4 हज़ार के सूट तो मिलते ही हैं, तो अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। महंगे भी हैं, ये नहीं कि सस्ते सूट हैं, महंगे भी हैं। ये एक इवेंट है, 22 जून को अगर आया गया तो आएंगे, यहाँ पर वेट करना पड़ता है। ये नहीं इंडिया की तरह मुँह उठाया और चलो जहाँ दिल किया घुस जाओ, यहाँ पर पहले वेट करना पड़ेगा। जब तक वहाँ से ग्रीन लाइट नहीं होती तभी चलेंगे, ग्रीन लाइट हुई है तो चल रहे हैं हम। रूल्स यहाँ पे बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। ये जलेबी की शॉप है, ये अपने सब पंजाबी वीरभ्रा घूम फिर रहे हैं। खाना भवन था, जब से आए हैं नॉन वेज ही नॉन वेज खा रहे हैं, तो आज सोचे चलो वेजिटेरियन भी कुछ हो जाए। यहाँ पे इन्होंने हमें सीट दे दी, और हमने यहाँ पे डोसा, इनका साउथ इंडियन अच्छा है तो डोसा और इतना मंगाया था, और सीरियसली अच्छा है टेस्ट। ये लंदन आके ऐसा टेस्ट मिलना अल्टीमेट है।
मेरी मर्जी है, यहाँ से हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट भर चुका था। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अपने पंजाबी भाई हैं, उन्होंने खोला हुआ है बस के अंदर ये सारा सिस्टम सब बना के ना। तो अब हम जा रहे हैं क्वालिटी फूड्स, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ग्रोसरी, इंडियन का सारा इंडियन सामान यहाँ मिलता है। और हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया एक्चुअली, हम एक दिन पहले ही लिडल से कर चुके थे शॉपिंग, तो इसलिए ज़्यादा लिया नहीं, बट हाँ पता चल गया कि ये भी एक ऑप्शन है, तो नेक्स्ट टाइम से यहीं से लेंगे, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी का बहुत बड़ी रेंज है यहाँ। We've all stolen, but Jesus is the one way into heaven because he took our punishment so that we can be clean. He paid our bail so that we can legally get into heaven. उसके बाद डिनर बनाया, वेजिटेरियन डोसा हो गया, तो फिर सोचा चलो नॉन वेज, क्योंकि अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे नॉन वेज। तो इसको रोस्ट करके एक मस्त सी डिश बनाई थी चिकन की, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छी लगी। तो ये बन के तैयार हो गया, डिलीशियस। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक जो भी है कर दीजिए। थैंक यू।